हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल का नेक्स्ट डेरिवेशन फॉर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सियल साइड ऑन एक्सियल पोजीशन, इस वीडियो में है ये ब्रॉड साइड ऑन एक्सियल पोजीशन। में हमने एक लाइन पे हमने पॉइंट पी के लिए इंटेंसिटी फाइंड करी थी, अब इसमें हम ब्रॉड साइड ऑन में फाइंड करेंगे। इट इज़ अ पॉइंट ऑन अ लाइन विच लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ एक्सियल लाइन, देन द पोजिशन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजिशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। हम इस पॉइंट पी के लिए हम फाइंड करेंगे जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ना, पी से कट रहा है, इसी पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन और इक्वेटोरियल पोजिशन। अब अपने पास ये डाइग्राम है जिसमें ए और ये बी पॉइंट है, ये हमने डायपोल बनाया है। ये हम पहले देख चुके हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज की बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L। इसको हमने बीच से ब्रेक करा तो ये क्या हो जाएगी, L, और इस साइड L। ये दो कंपोनेंट अगर हम इधर देखें, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम बनेगी क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस पोजिशन परपेंडिकुलर क्या हो गया, आर, ये हो गया एल। तो इसकी जो हाइपोटेनियस आएगी रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा ही इस तरफ भी होगा। अब ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है, ये हम आगे देखेंगे, इस डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिकल डायपोल फ्रॉम बाय चार्ज माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू। ठीक है, ए बी एक डायपोल है जिसमें पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू चार्ज है। डिस्टेंस बिटवीन डायपोल इज 2L, एज आई टेल यू। पी एक पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर है इस डायपोल पे। ठीक है, डायपोल पे परपेंडिकुलर बायसेक्टर है। द डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ डायपोल इज आर। तो ये डिस्टेंस क्या है इसका, आर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज पे देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पी। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, हमारा डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है ए पी, क्योंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज में क्या है हमारा, ए पी। देखिए ए से लेके पी क्या है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज ले, पॉजिटिव डिस्टेंस ले लिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी हमने लिया है, ए पी का स्क्वायर अलॉन्ग ए पी। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ए पी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स वाई हम ये वेक्टर साइन और ये कैरेट ओवर इट लगा रहे हैं। तो मॉड में ई वन की वैल्यू अगर हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए पी की वैल्यू क्या थी, हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से निकाली, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर का ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, ई वन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अलॉन्ग ए पी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास, अब हम नेगेटिव क्यू के लिए लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। अब नेगेटिव क्यू चार्ज कहाँ जा रहा है, यहाँ पे बी से लेके पी तक। ठीक है, बी से लेके पी तक जा रहा है, यहाँ पे भी हमारे क्या रूट में आएगा। अब हम देखते हैं, एज वी नो इंटेंसिटी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने बी पी की ली है, नेगेटिव है तो वो मॉड की वजह से ऑलरेडी हट जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ई टू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन ई टू भी क्या हो जाएगी, सेम एज इट इज फर्स्ट की जैसे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास क्या है, बिकॉज ई वन एंड ई टू आर नॉट इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दे रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन कंपोनेंट्स की, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन होता है, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा। तो इनको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई वन साइन थीटा एंड ई टू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ई टू कॉस थीटा, ई वन कॉस थीटा प्लस, और ये हो जाएगा ई टू कॉस थीटा। सॉरी,
द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन साइन थीटा एंड ई टू साइन थीटा आर सेम। यहाँ पे जो ये साइन थीटा है, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम डायरेक्शन में तो ये अपोज करेगा। जैसे हमने देखा ये साइन थीटा इधर भी आ रहा है और ये इवन जो है ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोज कर रहे हैं, तो ये हट जाएगा। तो अपने पास फाइनली क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। तो ये दोनों भी क्या है, सेम है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने देखी, तो उसमें जो वैल्यूज़ आ रही है अपने पास वो क्या है, सेम है। तो हम देखेंगे ई वन और ई टू को हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इक्वल मान लिया। अब अगर इक्वल है तो ई इज इक्वल्स टू ई वन कॉस थीटा प्लस ई वन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ई वन और ई वन क्या हो जाएगा, टू ई वन कॉस थीटा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट हम ये पुट करेंगे ई इज इक्वल्स टू टू, और ई वन की वैल्यू क्या थी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, अब हमने देखा कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी एल बाय रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और ई की अपने पास वैल्यू, हमारे पास ये है, तो हमने देखा ई इज इक्वल्स टू टू का डी टू, और ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, और ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर ली। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट टू क्यू एल। अब ये वाला टू क्यू एंड एल, और हम पता है, वी नो दैट पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, टू क्यू एल। ठीक है, पी यानी मोमेंटम, और यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये वाला, और रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये एक ये हो जाएगा और आधा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, थ्री बाय टू हो जाएगी। उसके बाद आएगा ई इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू। अब प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था एल क्या है, छोटा है आर से बहुत, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डायपोल क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो एल को हम आर के मुताबिक बहुत छोटा हो जाएगा, तो एल को हम रिमूव करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारी वैल्यूज क्या होगी, ई इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी, ओके एल तो हट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, तो टू से टू कैंसिल, ई इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यू, आर की पावर थ्री न्यूटन पर कूलम। ये डेरिवेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।